जी हाँ जी बाल ही सेट करी जा रहे हो, कैप लवो सिर पे। यार, कैप ले लेके ना भाई बाल खराब हो जाते हैं। अब पता क्या है, ये लेनी भी बहुत जरूरी होती है, हाँ जी हाँ पता थोड़ी देर के लिए रिलैक्स तो करे ना। अच्छा मेरी बात सुन, जी सर अपना ना बच्चे आज के बाद ना जरा तूने अपनी जो ड्यूटी है ना जी जी नाके पे रखनी है, क्यों सर थाने में जरा काम ही रहना है। क्यों सर क्या हुआ। अरे पता ऊपर से बड़ा मेरे ऊपर बोझ आता है कि जी सारे इत्थे ही बैठे रहते ने, कोई नाके अंदर नहीं जाता, बाहर जुर्म वादे जा रहे ने, सर वो सारे तो को वो नवियां भर्तियां होने लग पईआं ने, उन्होंने अपना एक फीमेल कांस्टेबल इत्थे भेज दी है। तुम्हें तो मैनू पता है सर, कैसे पता है मैंने सुबह पेपर पढ़ लिया था। बेटा? देखो कोई शोखी नहीं करनी, समझो कि नहीं, थाने के अंदर ना हीरो बन के फिरना है और ज्यादा मुंह धोने की जरूरत नहीं है ना बाल बनाने। मेरे से सोना लगा ना अगर, मैं पैर पे पैर रखना कान पे चपेट मारूंगा। अब हमारा थाना जो है ना, अब ये फैमिली थाना हो गया। अच्छा अब जी तूने बाहर काम क्या करना है, ठीक है एक कर्टन लगवाना है, अच्छा पर्दा लगवाना है। ठीक है अजय फिलहाल जो तो करनी है कुछ लाभ देना, अंदर जरा खेस नहीं पाया कैदियां वाला हाँ जी वो टांग दे, और उसके उत्ते लिख दे बगैर इजाजत अंदर आना मना है, कोई भी मुजरम आए खांस के अंदर आए, और ज्यादा रश नहीं डालना। इन्होंने छाड़ दिया क्या जुर्म था इस भाई का? सर जी ताड़ी मेहरबानी, मैं बिल्कुल बेगुनाह है बॉस, ताड़ी मैं मेहरबानी सदके जाऊं, बेफिक्र हो जाओ। ताड़ी अब यार इन्हां दी जमानत दा कुछ करो, सारे दे बहनोई ने अंदर कराया तुहानू पता है। उत्तर जेने भी कराया थाना खाली करो। पता की इत्थे मैनूं रश चंगा नहीं लगदा, मैनूं घबरा पैण ओ बड़ा सख्त हैगा जी इहदा बहनोई, किहदा? ओ इहदा बहनोई कल मैनूं वाला मुंह ते गालां कढ के गया। पता क्या, इनका इलाका चेंज करके ना, अच्छा कि ये इलाका हमें लगता ही नहीं है, अच्छा किसी और थाने में भर्ती करवा दो इनको। इहदा भला की जुर्म है? की जुर्म है? ये अपनी टिंड आप करदा। उत्तर वेखो ना तुसीं भी, लोकी मतलब मैं समझ नहीं आ रही इस गल की कि छोटे छोटे केसां च बंदे फड़ी जा रहे हो। इस थाने च छोटे केस वाला बंदा नहीं फड़ना, जदों फड़ना वड्डे केस वाला फड़ना, है फड़दियां नाल ही जेल, ताकि इत्थे कोई बंदा रवे ही ना। लगता इस तो बाद वड्डा केस तुसीं ही करना, तो मैं तुहानू ही फड़ लेना। अल्लाह खैर करे, अभी तक कांस्टेबल आई नहीं है, किसी और थाने में ना उसकी ट्रांसफर हो गई है। एवं ही उठते हैं, ट्रांसफर कितने होर हो गई होगी, जो आना ही उन्हें इतने वे सवेर का। मैं थाने वो तपड़ियां मार के चमकाया, मैं क्या अगले दिन आके दिल से लगे। उत्तर जिथे बैठ के थाना पीना हो ना, हाँ जी उतों की सफाई करी दी है। हाँ जी हाँ जी, और मेरा टेबल देख किस तरह उसने गंदा पिया। ये मैं इस तो नहीं किया भी तुम सामने जरा गंदे जहा लगो। बकवास की थी? मैं क्या भी इतने बह के मैं कर देंगे, हूँ 10 मिनट बाद कर देंगा। उत्तर मैं सारी जिंदगी ना कभी किसी बंदे की ट्रांसफर करवाई, ना मैं किसी को कढ़िया। तू पहला बंदा होगा जिद ते मेरा ना यह हुक्म चलेगा। अच्छा जी, कांस्टेबल की आ रही साड़ना ही सीरियस हो गए हो। ओह तेरिया निगाहां, ओह मेरिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। और दो हाथों से सैल्यूट। सर बह जाओ, तुसी ऐसा चो की हो गया। ये बंदा पहले थोड़ी देर याद कराता मैं, आपने दोनों हाथों से सैल्यूट कर दिया। सर बड़ी कंफ्यूजन चल रही है, क्या समझ में नहीं आ रहा, कोई कहता है लेफ्ट से करना है, कोई कहता है राइट से करना है, तो मैंने दोनों से कर दिया। आपको जो कबूल हो आप रख ले। लो जी, अपने वर्गी आई है। मेरे वर्गी बिल्कुल। खड़ी क्यों है आप? बैठे ना तशीर इधर नहीं, उठे ही उठे ही। हां जी थैंक यू। उधर ही आ जाओ। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, आपका यहां पर पहला दिन है जी। आपको मैं कुछ चीजें बता देता हूं जी, तो आपने अपने ज़हन में बिठा लेना है। ओके। वरना थाना नहीं चलना। थाना चलाने के लिए ना हम दोनों का ज़हन का मिलना बहुत जरूरी है। देखिए कांस्टेबल और SHO ये गाड़ी के दो पहिए होते हैं। थाना जो है ना जी सर, वो कांस्टेबल ने चलाना होता है। SHO के हाथ में कुछ नहीं होता। SHO ने सिर्फ बाहर मुजरिम पकड़ने होते हैं और ला के ना कांस्टेबल के हाथ में रख देने होते हैं। अब उसका काम है थाने को बना ले, बगाड़ दे जो मर्जी कर ले, ठीक है ना? सर तुसी SHO बनो, तुहाडी शौहर वाली तबीयत होगी तुहानू पता। तो आपकी ये पहली पोस्टिंग है? जी पहली पोस्टिंग। इससे पहले कहीं काम तो नहीं किया? नहीं सर। अच्छा, इसका मतलब आपका पहला काम है ये? जी। चलो इहदा मतलब इहनूं किसी गल दा पता है ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी। आप जो कहना ओही असूल बनने ने। चलो देख लेने। आ मनूसा ਕਿੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦਵਾਂ, ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਏ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਐਸੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਬੇਬੀ ਆਪਸ ਮੇਂ ਲੜਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੇ ਆਪਕੇ ਅੱਬੂ ਕਾ ਥਾਨਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੋ ਕੁਛ ਬਤਾਓ, ਮੈਨੇ ਤੋ ਮੁਜਰਮੋ ਕੋ ਨਾ ਐਸੇ ਰੱਖਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਕਭੀ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਸੀ ਕੇ ਉਪਰ। ਸਖਤੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ SHO ਹੋਤਾ ਹੈ? ਵਾਓ ਸਰ, ਯੂ ਆਰ ਗ੍ਰੇਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਨੇ ਨਹੀਂ ਚਲਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਈ ਐਗਰੀ, ਥਾਨੇ ਚਲਤੇ ਹੈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਰ। ਆਪਕੋ ਪਸੰਦ ਕਿਆ ਹੈ? ਸਰ ਮੁਝੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਸੰਦ ਹੈ ਆਪਕੋ? एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। बाबा जी, थाना है, थाना है, थाने के तकद्दस का ख्याल करो। म्यूजिक का क्या है सर? उत्तर नहीं ना, तू ऐसा कांस्टेबल होके गाएगा गाने ते अच्छा तो नहीं लगेगा ना, बाहर थाने साड़ा कितना असर पाएगा? ज्यादा घट है भी, शर्म लोग ना होते जो गान बजाने वाले थाने च लागे ने। एक तो मैं गान बजाने वाले को बड़ा तंग। मुझे तुम नजर से सुभान अल्लाह गिरा तो रहे हो। ए गाना तो नहीं तुसी पहाड़ा याद कर रहे हो दुनी दा?
सर मुझे शेरो शायरी से बहुत लगाव है। वाह, आपको शायरी से लगाव है? यस। तो अर्ज किया है जी, जो तो डंग हुंदे सब संग हुंदे, शल हरण ना किसे दे डंग यारो। हथ चुमन वाले हथ छट जांदे, जदो वेख दे ने हथ तंग यारो। इनू डॉक्टर अहमद दे पुत्र नू बाहर कढो। सर मेरी गल तो सुनो ना, खराब दा पुत्र ना होवे ते पढ़या तैनू पंजाबी केस ते शेर सारे सराइकी सुना रहे। मेरी गल तो सुनो सर, बह गया जी। सर मुझे रोमांटिक पोएट्री पसंद है, जिसमें मतलब समझ आए कुछ एहसास अगर हो तो मोहब्बत करो महसूस। हर बात का इजहार जरूरी नहीं लफ्ज़ से। अभी आपकी दाद सुननी चाहिए मुझे, यहाँ मुझे पता चला है आपकी दाद से कि मैंने शेर कैसा कहा है। जबरदस्त, ये बात है। फौरन प्रवीण छाकर दी फूफी बन गए। वाह जी वाह, एसएचओ साहब तो शेरो शायरी करने लग गए। मियां साहब गालिबन आपका असर हो गया उनपे। सर मेरी ड्यूटी में क्या शामिल है ताकि मैं अपने आप को वैसे ही मेंटली प्रिपेयर्ड कर लूं? आपकी ड्यूटी यही है कि आपने सुबह यहाँ से 7 बजे आना है। ओके। आके सबसे पहले हाजिरी लगवानी है और मुझे बताना कि मैं आ गई हूँ जी, और मैं आपके लिए नाश्ता मंगाऊंगा, 2 एग ब्रेड जो आप कहेंगी। पागल दिमाग ठीक है तेरा? क्या हुआ सर? बंदा तेरे चपेड़ा मारे और तेरे पानी जड़ा निकले साफ ना करन दे, तेनू जहल आदमी ना हो। आपने बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करना, ये थाना आपका है, आपका जहाँ दिल करे आपने बैठना है। Okay. आपने मुजरमों को सिर्फ घूरी डालनी, ठीक है, और किसी को फ्री नहीं करना। आपको कुछ भी खाने के लिए चाहिए आपने मुझे बताना है। थैंक यू सर। आपका जब दिल करे छुट्टी करने को, बल्कि आपने इस बात को अवॉइड करना है, आपने ज्यादा टाइम थाने में गुजारना है। छुट्टी वाला आपने दिमाग से काम निकाल ही देना है। और आपने इस मुजरम को घूर कर नहीं देखना। क्यों? ये आगे से देख ही जाएगा। आप मुजरमे को मार क्यों रहे हैं? देखिए हमें ये समझाया गया है कि जुर्म से नफरत है, इंसान से नफरत नहीं है। वाह 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 वाह, थैंक यू सर। आपके मुंह से शब्द कितने अच्छे लगे हैं, आपने जो अल्फाज कहे हैं, आपको पता है ये पूरे के पूरे अकवाले जरी हैं। जुर्म से नफरत नहीं है, मुजरम से। आहा, सदके जावां, तू भरा है अपना, बैठ। की खाना है आज? मेरी सालगिरह है। अच्छा, केक रहन दियो मैनू, वैसे नकदी सलामियां दे दियो। देखो मैं तो देख रहा जी, अख भी नहीं चमकी। ओए ओए ओए, हो गया, हट। मेरी बात गौर से सुनो। जब तुम्हें पता था कि तुम्हारी आज सालगिरह है, वाह, तो तुमने ये जुर्म क्यों किया? वाह वाह, हाय हाय हाय। अब तुम्हारे घर वाले घर पे बैठ के केक काट रहे हैं और तुम यहाँ सजा काट रहे हो। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, क्या बात कह दी आपने। आपने करोड़ों की बात कर दी, सिनेरियो रूप में लिखने वाली बात कर दी है, बल्कि जाफरान के पेन के साथ आपने बात लिखी। इस बात को मैं दर्द करता है कि इसके आगे सलाखें लगा दूं, बंद कर दूं, इसके बाद लफ्ज जो है वो खराब हो जाए, बस कैद कर दूं इन लफ्जों को मैं। इरशाद इरशाद दोबारा, मतलब हमें ऐसी कांस्टेबल चाहिए थी जो इस तरह से मोटिवेट करे लोगों को। अब जुर्म करने की सजा तो मिलेगी और तुम्हारी खुशियां बर्बाद होंगी। मेरी खुशियां नु नजर लग गई है। ओ शरीको, ओ तुहाडा बेड़ा तरजे। बाजी, इन्होंने मेनू जायज फड़िया है। क्यों पकड़ा फिर? आए हाए, ओए होए, बदो बदी, हाथ कड़ी बदो बदी। वैसे मुझे ये सिंगर बहुत पसंद है। अच्छा जी, मेरा चाचू है, तुम्हें पता है सका? Really? मैं तो उनके हाथों में पला हूं, यकीन करें। Really? मैं बता बेटा, सर की हो गया, लेडी कांस्टेबल को छेड़ने के जुर्म में आपको अंदर किया जाता है। अब आपकी सजा जो है वो तकरीबन 40-45 साल है। आप सर की हो गया? मेरी गल सुनो सर। बेटा, जदों तक तू सवार के बुढ़ा नहीं हो जाता, तेरे मुंह जो दंद नहीं डिग जाते, तेरा दिमाग बंद नहीं हो जाता, तेरे दिमाग जो गल्लां निकल नहीं जाती, तू बाहर नहीं आएगा। चाबी मेरे को भी है, तुम्हें पता है ना सारी गल का। चंगा भला पता, साडा थाना थाने अब चाबी वाला है ही। चलो अगे तो ना करना। ओ चलो अगर अगे तो ना करना। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपका मैंने नाम तो पूछा ही नहीं। आयशा जी, आपके लिए पाइनएप्पल का जूस मंगाऊं? पाइनएप्पल का नहीं बेटा, खाने पीने का वक्त है। बताइए क्या खाने में लाइक करती हैं आप? पसंद तो मुझे चाइनीज और इटालियन। अरे वाह, आप नानचने मंगवा लें। तेरी शक्ल दी वजह तो खाना खराब दिया पुत्रा, मेरा भी स्टैंडर्ड लो है। और नान 10 मंगाने जे, ए मैं लगदा इकबाल नाल अब्बा जी दा खत्म भी है। खांडी मैं सिर्फ यह पता करन आया कि मेरा साला जिन्हों मैं फड़वाया है, आया कि वो हवालात दे विच या तुहां छड़ दित्ता है? हवालात च बैठा, क्यों छड़ा? बंदे बंदे कहिंदे हुंदे ने तुसीं जिहड़े अफसर लोग हुंदे हो,
कि तुम वे तो वा मुजरम ही पैसे पुहे ला के छड़ देंगे हो। भाई साहब हमें गवर्नमेंट जो है ना वो बड़ी अच्छी तनखा देती है, हमें कोई जरूरत नहीं है हराम के पैसे लेने की। अफसरों तुसी पैसे लवो ना लवो मैनू अपने पैसे ना गर्ज है, मैनू मेरे साले को पैसे चाहिए ने। दो लाख रुपया भाई जी, दो लाख रुपया। उसके पास पैसे नहीं, मैं कहां से बरामदगी करवाऊं? मेरे को ओदे को नहीं ना, तुसी कोड़ो दे दियो ओदे को ले ले। तमीज ने तुझे बोलने क्यों, बात कैसे करता तू? मैं तुझे कैसे दे दूं? ये थाने कादे वास्ते बने ने, थाने बंद करने वास्ते, इंसाफ वास्ते बने ने। ओए तमीज से बात कर, अच्छा तमीज से बात करो। रोक डायल ही हो गई सारा। ओए बाकी तेरा भैया है? हां जी मेरा बहनोई है जी, मैं भैन वड के ब्याही है। इन्होंने भैन वड के ब्याही करना? इन्होंने वड के नहीं ब्याही, इन्होंने मेरा पैसा देख के मुंह वड के ब्याही है। नहीं जी, असि भैन नु जायदाद दे विचों भी अद्धा हिस्सा दिता है ते शौहर भी अद्धा ही दिता है। जेड़ा मेरे को कर्जा ले आई वो किन्ने देना है? अच्छा भी इसके पैसे कब देने तूने? ओ भाई मेरे को कोई पैसा नहीं, पावे मैनू जानो मार दियो। ओ ओदे कोल पैसे लै के दे, जानो मार दे, जानो मार दे। गल नहीं कर रही, चल अंदर, चल अंदर, चल खुद ले, आप ले ओदे को पैसे, चल आप ले। उस बेचारे को क्यों अंदर कर रहे हो? इसको वैसे ही लिटा के इसको ईंट रख दो। कितनी बुरी बात है, आपने उस बेचारे को भी अंदर कर दिया। ये ऐसे ही करते बड़े जालिम है, मैंने तो आपको पहले कहा था। कुछड़ बह के दाढ़ी मोड़ ना तू। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप बोर तो नहीं हो रही? आपको हमारे थाने का माहौल कैसा लगा? बोरिंग। अच्छा तो मैं आपका मूड ठीक करने के लिए आपको शेर सुना देता हूँ। मैं तोता तू मैना, मैं तोता तू मैना, तुझ में मेरी जान है, तुझ में मेरी जान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान। नहीं हुण उधर वापसस्तान है, उधर जाओ। क्या ये सब? ये नहीं कांस्टेबल आया, नहीं भर्ती हुई है। आप यहाँ बैठी हैं, आप कांस्टेबल हैं आप? आपको पता नहीं है कि थाने के अंदर किस तरह से बैठते हैं, जॉब कैसे करते हैं? आपकी ड्यूटी क्या है यहाँ बैठने की? नहीं नहीं, आप उसको कानून पढ़ा रहे थे। नहीं नहीं, मैं उसको बता रहा हूँ। देखे मेरी बात सुने, ये मैं इस तरह बर्दाश्त नहीं करता। अकल होनी चाहिए बंदे को कि ड्यूटी का टाइम। बस सुन लिया मैंने, देख लिया मैंने, जो तुम उसे तोता मैना के शेर पढ़ा रहे हो ना, नहीं, नहीं, सब पता है मुझे। वो हमारे ऑफिसर हमें जो होते हैं ना, वो शुरू दिन से पहला लेसन ये देते हैं जब थाने में हम ज्वाइनिंग देते हैं। वो कहते हैं एक था तोता एक थी मैना, मिलके बैठे भाई और बहना। हाँ जी हाँ जी, वो तो जो आप सर वो कह रहे थे के कांस्टेबल और एसएचओ एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, इनको कह रहे थे बाजी। नहीं 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 नहीं, मैंने कहा था कि ये जो थाना होता है ना, ये पुलिस वाले और अपना थाना, ये गाड़ी के दो पहिए होते हैं, ये मिलके चलते हैं तो मुजरिम को पकड़ के लाते हैं। मनहूस आदमी, ऐसे कहा था मैंने। जैसे कि होता है कि एक गाड़ी एक उसका पहिया, थाने में फंसे है साला पणवैया। बहुत अच्छा थिएटर हो रहा है जने सिंह, बहुत ए सेगमेंट तेरा हिट ही जाते तू कहता ही। सर वैसे एक बात है, हाँ जी। आप शायरी बहुत कमाल की। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। शायरी कहाँ, थाने में फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ, सर वो आपने जो शेर सुनाया था, मैंने कहा था एहसास हो तो मोहब्बत करो महसूस, हर बात का इजहार जरूरी नहीं होता, राइट? ये शेर तो तुम मुझे सुनाया करते थे। मैं क्या मशहूर है, सारे सुना दो। हाँ, मैं इसको सुना के भी ये कहने वाला था कि ये मैं आपकी ना भाभी को सुनाया करता था, इसने मेरी वो बात सुनी नहीं है। अल्लाह की कसम भाभी जी, आपका तो इन्होंने नाम ही नहीं लिया, बल्कि ये कह रहे थे कि आपकी भाभी 10 साल पहले ना एक्सीडेंट में फौत हो गई थी। नहीं मैंने अपनी भाभी का कहा था, मेरे बड़े भाई की जो बीवी मैंने तुम्हें बताया था। तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है? जो थाने जो अस्पताल में लेटे हुए सारे भाई हैं हमारे। लो जी पहला थाना देखा जो जिथे आप ही रेट हो गया। फरीद, हाँ जी, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी मजीद। ओके तुम आज घर आओ, तुम्हारी हड्डियों का मैंने सुरमा नाना बनाया तो मेरा नाम भी नहीं नाहीन। नहीं जानू, तुम्हारा नाम नौरीन है। तुम मेरा रदीफ काफिया ना सीधा करो, अपना किरदार सीधा करो। आज 14 दिन का डिमांड होना है तुम्हारा। सारा तेरी वजह से काम खराब हुआ मनहूस के बच्चे। सर कांस्टेबल को थप्पड़ मारना ऑन ड्यूटी जुर्म है। जुर्म है? जी हाँ। ये मुझसे क्या हो गया, मैंने जुर्म कर दिया, इस हाथ को तोड़ दो, मुझे थाने में बंद कर दो। आ जाओ मुझे थाने में बंद। वेलकम वेलकम वेलकम। आप जाओ आप जाओ, खुदा हाफिज खुदा हाफिज। आप जाओ उतर, मेरे से केस पाई जाओ, मैंने बाहर नहीं आन देना। अब मैं थाने में बंद हो गया हूँ। जी सर। आपने ना बाहर ड्यूटी देनी है, मैं जब भी भागने लगू ना आपने मुझे पकड़ लेना, बल्कि आपने जोर जोर से गाना गाना, अरे लोगो पकड़ो ये लड़का दीवाना। वो मुझे ये फिर आ गई क्या? मैं अंदर तुम्हारी तबीयत तो मैं सेट करती हूं। सोटी पकड़े सोटी पकड़े। ओए ओए आईडिया ना दे मनुसा। चलो चलो थाने का खलील और मार। सारे निकलो निकलो बाहर। नहीं निकलो, मेरी बात सुनो। निकलो निकलो। देखो अगर मेरे भाइयों मुझे छोड़ के ना जाना। साला साहब पैसे
अब बोलो कुंडी ना लगा। तुम्हें वरी शेर और शायरी आती है? नहीं आती। सर यहाँ पे वो गाना बनता है माही वे सोटियां बजियां ने। आए हम आइसक्रीम खाने चलते हैं। आ जाओ गल सुनो। ए रुक जाओ रुको यहाँ पे। तो तुम्हें शादीशुदा मनुसा भैया ना कितने गई तड़िया ब्रेक